नमस्कार, मैं राकेश शिवानी अष्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी भावार्थ रत्नाकर की सीरीज चल रही है, तो आज कर्क लग्न का नंबर है, मिथुन लग्न तक मैं आपको बता चुका हूं। जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो आपको बता रहा हूं मैं। इसी प्रकार जो कर्क लग्न के अंदर भी काफी श्लोक तो हैं, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट श्लोक है जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है वही श्लोक आपको बता रहा हूं। तो अब कर्क लग्न के श्लोक में आगे आपको बताता हूं, वही शेयर करता हूं टाइम ना वेस्ट करते हुए। जय गुरु विशेषेण योगदय मकरे जाय मानस्य बुधो योग पदो भवेत। कर्क लग्न के जातकों के लिए गुरु कोई विशेष धनदायक नहीं होता, परंतु मकर लग्न वालों के लिए बुध विशेष धनदायक होता है। कैसे? देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है साथ में बनी, ये कर्क लग्न की कुंडली है। इस कर्क लग्न की कुंडली में गुरु के पास दो राशियां गुरु की 9 और 12 हैं। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6ठे भाव में बैठी हुई है, जो वैसी राशि है उसकी 12वें भाव में बैठी हुई है, 9वें भाव में बैठी हुई है, और 6ठे भाव में उसकी 9 नंबर राशि बैठी है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि से ही ग्रह को समझा जाता है। अगर मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में हो तो ग्रह को षष्ठे ही समझना चाहिए, क्योंकि 75% फल मूल त्रिकोण राशि के ही ग्रह देता है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये षष्ठेश के रूप में ज्यादा काम करेगा गुरु, इसलिए कोई विशेष धनदायक सिद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर मकर लग्न की कुंडली हम लोग यहाँ पे देखें तो बुध के पास यहाँ पे 3 नंबर राशि 6ठे भाव में है, 6 नंबर राशि 9वें भाव में है, 6 नंबर राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो गुरु यहाँ पे नवमेश कल, बुध यहाँ पे नवमेश कहलाएगा। तो बुध जो है यहाँ पे धनदायक सिद्ध होगा, जब बुध की दशा आएगी तो उसमें धन अच्छा मिलेगा, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव में है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात होती है कर्क लग्न के लिए स्पेसिफिकली और मकर लग्न के लिए स्पेसिफिकली। दूसरा श्लोक इसका है, कर्कटे जाय मानस्य मोहभव योग प्रदो भवेत पंचमे वाथ राज्ये वा योग दो भवित ध्रुव। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल योगकारी होता है। इसका क्या मतलब है? ये श्लोक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल योगकारी होता है। मंगल कैसे योगकारी है? मंगल केंद्र का भी स्वामी है, मंगल त्रिकोण का भी स्वामी है इसके अंदर। ये देखिए, मंगल के पास एक भाव केंद्र का है और एक भाव त्रिकोण का है, तो मंगल इस कुंडली के लिए पूर्ण योगकारी ग्रह है। परंतु यदि पंचम अथवा दशम में मंगल पड़ जाए तो विशेष रूप से शुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, पंचम में मंगल यहाँ पड़ गया तो क्या होगा? मंगल अपनी ही राशि में स्वराशि में बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा हो गया। मंगल दशम में पड़ गया प्रोफेशन वाले भाव में और अपनी ही राशि में पड़ गया तो ये भाव बहुत मजबूत हो गया। इधर ये भाव भी मजबूत है, इधर ये भाव भी मजबूत है, संतान भाव मजबूत हो गया, प्रोफेशन का भाव मजबूत हो गया, तो विशेष रूप से ये शुभ फल करेगा मंगल। कर्क लग्न की, कर्क लग्न वाली कुंडली के अंदर ही अगर मंगल 10वें भाव में या 5वें भाव में बैठे तो विशेष रूप से शुभ फल करता है। दूसरा श्लोक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है कुंडली के अंदर, राजा भवेत सहे हसिक गुणवान कीर्तिवान भवेत प्रह जातक योग योगम महाराज संगिक। क्या मतलब है इसका? यदि बुध शुक्र और चंद्रमा एकादश स्थान में हो, देखिए बुध शुक्र और चंद्रमा 11वें भाव में है, गुरु लगन में हो, गुरु लगन में है और सूर्य दशम भाव में हो, तो जातक एक उत्साही गुणी और यशस्वी राजा होता है। इस योग को बृहद जातक ग्रंथ में महाराजा योग की संज्ञा दी गई है। ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने कि बृहद जातक योगोयम महाराजिक संज्ञा है, इस योग को महाराजा की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों इसमें संज्ञा दी गई है, ये एक इसमें सोचने वाली बात है 6ठे श्लोक के अंदर। तो इसमें देखिए कि आपका चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपका लग्नेश है और लग्नेश होके वो वृष राशि में बैठा हुआ है लाभ भाव में और उच्च का होके बैठा हुआ है। चंद्रमा लग्नेश है, वृष राशि में उच्च का होके बैठा हुआ है। सूर्य इस कुंडली में धनेश है, वो भी अपनी उच्च की राशि में 10वें भाव में बैठा हुआ है। गुरु इस कुंडली में भाग्येश है, वो भी अपनी उच्च की राशि में लगन में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जब 3-3 ग्रह उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु उच्च की राशि में है, सूर्य उच्च की राशि में है, चंद्र उच्च की राशि में है, तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि इस ऐसे प्रिंसिपल में हमेशा मतलब एक ऐसा योग मिलेगा जिसमें यश फैलेगा इंसान का, धन की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इसको महाराज योग की संज्ञा दी गई है। इससे आगे स्लाइड पे चलते हैं। यहां ये कहता है, कर्कटचे जय मानस्य बुध शुक्रो व्यय स्थितो शुक्रदाये चय संप्रभते राजयोगे उदीरत। कर्कटे जाय मानस्य
बुद्ध शुक्रो व्यय स्थितो, यानी बुद्ध और शुक्र व्यय स्थित में, मतलब व्यय स्थितो मन इसके व्यय भाव में स्थित हो। शुक्रदाय चे संप्राप्ते राजयोग उदीरित, क्या मतलब है इसका? यदि बुद्ध और शुक्र द्वादश स्थान में हो मिथुन राशि में, ये उन्होंने बोला है कि बुद्ध और शुक्र द्वादश स्थान में हो मिथुन राशि में, तो शुक्र अपनी दशा में राजयोग देता है। ऐसे कैसे राजयोग देता है ये बताइए। देखिए सिंपल प्रिंसिपल है कि मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया था कि जब दो ग्रह ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जो उन भावों को इंडिकेट करते हैं, जो भाव कॉमन चीज को इंडिकेट करता है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि नवा भाव धन को इंडिकेट करता है, पंचम भाव धन को इंडिकेट करता है, लग्न भी धन को इंडिकेट करता है, धनेश धन को इंडिकेट करता है, लाभेश धन को इंडिकेट करता है। तो ये ग्रह अगर आपस में इकट्ठे भी हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा संबंध इनका रहता है और ये योग बनता है। दूसरा, आपस में अगर शनि है, शनि दृष्टि डाल रहा है किसी ग्रह के ऊपर, दो ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो धन को इंडिकेट करते हैं इनके भाव, और शनि दृष्टि डाल रहा है और शनि नवमेश होकर दृष्टि डाल रहा है, तो उसकी दृष्टि खराब नहीं होगी। दृष्टि इसलिए खराब नहीं होगी उसकी क्योंकि शनि भी उसी चीज का कारक है, मतलब शनि जिस भाव का स्वामी है वो भी उस चीज का कारक है, धन का कारक है। तो जब धन के कारक की दृष्टि वहां पड़ेगी तो वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, धन अच्छा मिलेगा। हाँ, दूसरी चीजों में नुकसान हो सकता है तो धन अच्छा मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि शुक्र भोग विलास कारक होता है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए बारहवें भाव में शुक्र की पोजिशन अच्छी मानी जाती है। बुद्ध यहाँ पे बैठा हुआ है अपने ही भाव में, भाव मजबूत है, भोग विलास वाला भाव मजबूत है, तो भोग विलास वाला भाव इसका मजबूत है। यानी दोनों ग्रह जो भोग विलास का स्वामी है, अब भोग विलास का कारक है, भोग विलास वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो इस कुंडली में इसको खूब भोग विलास प्राप्त होगा और ये खुश रहेगा जातक, इसलिए इसके अंदर ये श्लोक डाला गया है। इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। ये कहता है, 13 नंबर श्लोक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला भी इस कुंडली का। कर्कटे जाय मानस्य चंद्रो लग्ने स्थितो यदि, कर्कटे जाय मानस्य चंद्रो लग्ने स्थितो यदि, मेष स्थितो यदि रवि राजयोगे उदीरित। वो कहता है कि चंद्र लग्न में स्थित हो, चंद्र कर्क राशि में, कर्कटे जाय मानस्य चंद्रो लग्ने स्थित हो, कर्क राशि में चंद्रमा लग्न में स्थित हो और मेष राशि में सूर्य स्थित हो दशम में, तो भी राजयोग होता है। ऐसा कैसे राजयोग बनता है ये देखने की बात है। देखिए सूर्य ग्रहों का राजा है, उसका द्वितीयेश होना, सूर्य का धनेश बनता है सूर्य, तो ये धन का द्योतक बन गया, सूर्य धन देने वाला ग्रह है, इसके अंदर सूर्य धन का स्वामी है तो धन देने वाला ग्रह बन गया। तो उसकी उच्चता होने से ही, मतलब वो उस ग्रह का, क्योंकि वो उच्च का हो गया है वहां पे, तो उसकी इस वाले भाव में धन देने की क्षमता में और अधिकता आ गई है, क्योंकि सूर्य धन भाव का स्वामी है और धन भाव के स्वामी होने से वो बैठा हुआ है मेष राशि में, तो उच्च का होने से उसके अंदर उसकी शुभता में और अधिकता आ गई है, क्योंकि सूर्य दशम स्थान में है और प्रमुख केंद्र में है। और दूसरी बात, चंद्रमा भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और वो भी केंद्र में होकर बैठा हुआ है। चंद्रमा अपनी राशि में, जब केंद्र में दो ग्रह मजबूत होकर बैठे हुए होते हैं, शक्तिशाली होकर बैठे हुए होते हैं, तो वो बहुत अच्छा फल करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली के अंदर केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो बहुत बलशाली है। सूर्य इस कुंडली में धनेश होके बैठा हुआ है मेष राशि में, प्रोफेशन के भाव में, वो भी उच्च का बना हुआ है तो वो भी बलशाली है। तो इस कुंडली में ये एक तरह का राजयोग बन जाता है। तो ये चीज इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। फिर वो कहता है, कर की जातस्य लग्नस्थो रवि सौम्यो तु सौख्य गय, कबील रभावे चंद्र भाम गुरु संस्थिता यदि, रवेर दाये ते संप्राप्ते निर्धनम योग मुशुमते इतरेशाम दशा काले योगदास्तु भवन्ति ही। वो कहता है कर्क लग्न में, कर्क की जातस्य लग्नस्थो रवि सौम्यो, रवि सौम्यो मीन्स सूर्य और बुध कर्क लग्न में हो, कवि वल्लभे चंद्र भौम, कवि, कवि किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र चतुर्थ भाव में, चंद्र भौम चंद्र मंगल और गुरु है गुरु, ये कहां हो? 11वें भाव में हो, और रवि तो सूर्य की दशा में। वो कहते हैं कि सूर्य की दशा में निर्धन योग मश्नुते, निर्धनता प्राप्त होगी, अन्य ग्रहों की दशा धनप्रद रहेगी। ऐसा कैसे रहेगा? मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि सूर्य बुध कर्क लग्न में है, शुक्र 7वें नंबर राशि में बैठा हुआ है, मंगल चंद्रमा गुरु लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो कहते हैं कि सूर्य की दशा आदमी
की दिशा में निर्धनता प्राप्त होगी। ऐसा कैसे मतलब पॉसिबल है, ये आपको आइडिया लगाना है। तो देखिए, एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, युति। अगर आप बृहत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें युति का वो दिया हुआ है कि युति में क्या होता है कि ग्रह अक्सर एक दूसरे के फल को म्यूचुअली चेंज कर लेते हैं। यानी अगर दो ग्रह युति में बैठे हुए हैं, किसी एक की दशा चल रही है, तो हो सकता है वो अपनी दशा में अपने फल ना देकर जो अपना ग्रह साथ में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके फल देना स्टार्ट कर दे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखिए, मंगल इस कुंडली के अंदर पूर्ण योगकारी ग्रह है, उसके पास दसवां भाव है, उसके पास पंचम भाव है, तो पूर्ण योगकारी ग्रह है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी दशा में अच्छा खासा धन देगा। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और लग्नेश होकर वो अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो जाहिर है कि वो भी अच्छा धन देगा। गुरु को देखें तो गुरु 9 और 12 मतलब गुरु नवमेश भी है और वो भी लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो नवमेश का लाभ भाव में जाना भी अच्छा होता है, तो गुरु भी अच्छा धन देगा। शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और लाभ भाव का स्वामी भी है, तो वो भी धन देगा, भाव को बली करता है। लेकिन सूर्य बुध के इसमें क्या हो जाएगा कि सूर्य और बुध, बुध चूंकि तीसरे यानी कि 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी, 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी है, बुध यहाँ पे अशुभ ग्रह, वो व्यय देने वाला है, पराक्रम वो एफर्ट्स देने वाला है, व्यय देने वाला है, तो उसके साथ सूर्य बैठा है, तो सूर्य मतलब उस दशा में, बुध की दशा में, सूर्य अपनी दशा में बुध के फल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की युति है और उसमें निर्धनता प्राप्त होगी। तो आशा करता हूं ये श्लोक आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद देख लेता हूं, कोई श्लोक तो नहीं है? नहीं, इसके बाद कोई श्लोक नहीं है। ये समझ में आए होंगे, समझ में आए हों तो काइंडली लाइक कीजिएगा जरूर। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी बेसिक एस्ट्रो प्रोडिक्शन की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो उसको ज्वाइन कीजिए। मैं ज्योतिष सिखाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ और उसकी अपनी पर्टिकुलर फीस रखी हुई है, लेकिन अगर कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।